सबलगढ़ टोंगा का ताल 1904 में निर्मित है। तालाब में दरार आ गई, हर 5 गांवों का जीवन संकट में पड़ गया। प्रशासन ने पानी को नहर से छोड़कर डाइवर्ट तो कर दिया है। 12 अगस्त शाम 4 बजे तालाब से पानी निकलना शुरू हुआ। रात भर प्रशासन निगरानी करता रहा। रात 12 बजे कलेक्टर और SP ने दौरा किया। पूरी रात कलेक्टर मुरैना और SP ने मॉनिटरिंग की। सुबह 8 बजे प्रशासन ने नहर की दीवार तोड़कर पानी को डाइवर्ट कर दिया। अब पशुहानि, जनहानि और फसल हानि की संभावना ना के बराबर है। लगातार 3 दिन हुई बारिश के कारण जल स्तर में बढ़ोतरी हुई। 14 फीट तालाब का जल स्तर हो गया। तब अचानक तालाब में से कोई एक सुराख खुलकर तालाब के बाहर पानी निकलने लगा। इसके कारण भारी मात्रा में तालाब से पानी निकला। इस रास्ते से पानी को निकलकर बहना था। उस रास्ते पर अतिक्रमण होने के कारण पानी गांव, खेत और घरों में भर गया। करीब 5 गांव से प्रभावित होने वाले थे। रात भर पानी गांव में, गलियों में, खेतों में घुसने लगा। इसके कारण कई घरों के लोग अपना घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही जल संसाधन विभाग के SDO DP वर्मा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर DK रत्नाकर, तहसीलदार सबलगढ़ भारतेंदु यादव, SDM सबलगढ़ वीरेंद्र कटारे और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पूरे क्षेत्र की निगरानी करने लगा। प्रशासन ने ड्रोन कैमरे से तालाब और उसके भराव क्षेत्र की निगरानी की। रात्रि को करीब 12 बजे जिला कलेक्टर अंकित अस्थाना और SP मुरैना भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्षेत्र का जायजा लिया, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से और स्थानीय प्रशासन से बात की। कलेक्टर साहब रात को सबलगढ़ में ही रुके। सुबह प्रशासन ने JCB मंगाकर पानी को डाइवर्ट करने के लिए ABC कैनाल, बददपुरा साइट को और जाने वाली नहर में दीवार खुदवाकर पानी ट्रांसफर किया। इस कार्य में प्रशासन को करीब 1.5 घंटे से अधिक का समय लगा। सुबह 8:30 बजे तक लगातार कार्य करने के बाद पानी नहर में जाना प्रारंभ हुआ। अब तालाब का जितना भी पानी निकलेगा पूरा नहर में डाइवर्ट होकर आसन नदी में गिरेगा। इसके लिए प्रशासन ने आसन नदी के पास नहर के गेट खोल दिए। इस तालाब में पास के ग्रामीणों की जमीनों के पट्टे हैं, जो बरसात बाद हर वर्ष फसल लेते हैं। वह हर वर्ष जब तालाब में ज्यादा पानी हो जाता है तो जानबूझकर किसी न किसी क्रिया के माध्यम से पानी को निकालने का प्रयास करते हैं। अभी एक कारण है कि ताल में से पानी निकल जाता है। कुछ लोगों ने इस रास्ते पर अवैध अतिक्रमण कर लिया है। इसके कारण मुख्य रास्ते से पानी न निकलते हुए खेतों में और घरों में घुसने लगा। तालाब के आसपास और भराव क्षेत्र में आने वाले गाँव टोंगा, पासौन, रानीपुरा, वदपुरा में खतरा उत्पन्न हो गया था, लेकिन पानी नहर में डाइवर्ट हो जाने से खतरा समाप्त हो गया है। फिलहाल पूरा ध्यान बचाव कार्य पर है। इसके लिए SDRF की टीम भी बुला ली गई है। ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की गई और लगातार कलेक्टर, SP और प्रशासनिक अमला मौके पर बना हुआ है। सबलगढ़ क्षेत्र में एक टोंगा का तालाब है, काफी पुराना है। उसमें पिछले 4-5 सालों में इस बार जो है करीब 14 फुट पानी भरा था सर। उसमें दरार आई थी, बहुत सारा पानी रहा, बहुत सारे क्षेत्र में पानी का भराव हुआ, बहुत से लोगों को उसका नुकसान हो सकता है सर। इसमें आपने क्या यहाँ सबलगढ़ क्षेत्र में हमारे टोंगा ग्राम पंचायत में सिंचाई विभाग का तालाब है, जो 1904 में निर्मित है, लगभग 130 साल पुराने स्टेट टाइम का तालाब है। इसमें कल हम लोगों को पहले जानकारी मिली थी कि तालाब से रिसाव जो चालू हुआ लगभग शाम में 6:30 बजे। तालाब के डाउनस्ट्रीम एरिया में प्रमुख 4 से 5 गाँव इसमें प्रभावित होते हैं। वहाँ पे तत्काल हम लोगों की WRD की, रेवेन्यू की और पुलिस की संयुक्त टीम ने पहुँच कर 2-3 ऑल्टरनेट रास्ते और जो तालाब का वेस्टवेयर था उसको भी तोड़ के पानी निकासी की व्यवस्था करी, जिससे तालाब में जो बंड में प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो ईज आउट हो पाया। और आज सुबह भी तालाब का जब धीरे धीरे करके वो पूरा बंड जो है वो टूटा, तब उसके बाद हम लोगों ने आगे जो नीचे लो लाइन हमारे एरिया से वहाँ पे बुधपुरा के आगे भी नहर में दीवार तोड़कर और पानी की निकासी आसन नदी में करी है। तो अब पानी का लेवल लगातार नीचे हो रहा है, कहीं पे भी जल भराव घरों में जैसी स्थिति नहीं है, ना ही जनहानि या पशुहानि। सर इसमें कुछ परिवारों को रेस्क्यू किया है, कहीं ऊंचे पे पहुंचा है? कुछ परिवार जो इस प्रकार के नाले के आसपास जिनके घर बने हुए थे जो प्रभावित हो सकते थे, उनको एहतियातन हम लोगों ने रात में ही वहाँ से निकाल के सुरक्षित स्थानों पर। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरा ऐसा अनुमान है कि तालाब के रास्ते में कुछ बाधा है, अतिक्रमण है, कुछ मकान बने हैं कुछ, तो सर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, कल जब मैंने भी मौका देखा तो जो हमारी एग्जिस्टिंग 2 कैनाल उसमें से निकले हुए हैं उसमें अतिक्रमण कुछ लोगों का था, जिसके कारण वहाँ पे पानी डाइवर्ट करने में हम लोगों को दिक्कत आई थी। तो इस प्रकार के जितने भी नियम विरुद्ध निर्माण किए गए हैं उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई। सर मेरा ये भी अनुमान है कि उस तालाब में कुछ किसानों की पट्टी है और ये जो तालाब टूटने की आज जो घटना हुई है उसमें कुछ हद तक ये भी एक बात प्रभावित करती है कि वो तालाब समय पर खाली हो जाए तो उनको फसल मिल जाए, पर इसमें क्या करें? नहीं बिल्कुल, ये आप बिंदु संज्ञान में लेके आए हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग का पूरा रिस्पॉन्स इस क्राइसिस को अवॉइड करने में था, लेकिन अब पूरी इसकी विस्तृत जांच करके जो भी इस प्रकार की कमियां हैं और उल्लंघन जिन लोगों ने भी किया उनके विरुद्ध प्रभावी नियम अनुसार। थैंक यू।
जैसे भी इस काम करा रहे हो सर, मैं ये पूछ रहा हूँ इस कार को कराने में कितने घंटे लग जाएंगे? ये सब रात से ही चल रहा है काम, जब से तालाब में क्रैक आए तभी से काम चल रहा है। जितना पानी आ रहा है ये स्कैटर्ड हो गया पानी पूरा, थोड़े बहुत नाले के आसपास जो गैप है उसमें थोड़ा बहुत पानी भरा है, बाकी जनहानि या पशुहानि नहीं नहीं। और ये भी आप देख रहे हैं आधे घंटे में ये भी काम हो जाएगा, ये पूरा पानी नहर में चला जाएगा। सर कहीं ना कहीं तो खेतों में पानी गिरा है, कुछ घरों में पानी घुसा है, इसके लिए शासन मुआवजा देगा क्या? वो अतिक्रमण वाली जगह वो देखेंगे, अतिक्रमण वाली जगह भी हो सकती है। दूसरा क्या है, अतिक्रमण है नालों का, जैसे अभी पानी भर गया वो पानी परमानेंट अगर रहा तो फसल खराब होगी, थोड़ा बहुत पानी से कोई फर्क नहीं पड़ना, अभी निकल जाएगा। सर तालाब के जो मुख्य रास्ते में कुछ अवैध अतिक्रमण बहुत ज़्यादा, उसकी सर क्या पोजीशन बनेगी? उसी के कारण ये सर अभी रात के 2 बजे हैं, आपने जो ताल का निरीक्षण किया सर बताइए क्या है? ये सबलगढ़ क्षेत्र में टोंगा ग्राम पंचायत में सिंचाई विभाग का तालाब है, लगभग 4.3 MCMS की कैपेसिटी है तालाब, लगभग 40% कैपेसिटी भी भरा हुआ था। इसकी पाल में एक जगह पे होल हो जाने से पानी का रिसाव हो रहा था, तो उसी को देखने में और पुलिस अधीक्षक महोदय से यहाँ पे आए थे। टीम हमारी लगातार जैसी शाम में हमें पॉइंट मिला था लगभग 6 बजे के लगभग, तत्काल टीम वहाँ पर वर्किंग स्टार्ट कर दी थी और पानी निकासी किससे सेफ तरीके से हो सके जिससे जनता प्रभावित ना हो तो वो व्यवस्था वहाँ पे करी है। अभी वेस्ट पेयर को भी एक स्थान पे वहाँ पे उन लोगों ने स्टोन मेसन भी बोल चुका उसको तोड़ा है जिससे पानी निकासी हो सके, और 2 जगह नहरों में भी जो गेट थे जो काफ़ी सालों से जाम पड़े हुए थे उनको। सबलगढ़ से रवि सोनी की रिपोर्ट।